शहरिया टाउन के हवाले से जो मैसेजेस और जो बातें लोग अच्छी करते हैं उन सब अच्छी बातों के साथ हैं हम। बैरिया टाउन हमारा घर है, बैरिया टाउन बहुत साफ सुथरा है, बैरिया टाउन के माहौल को पूरा कराची मानता है और हम भी मानते हैं, इसीलिए हम कराची शहर को छोड़कर यहाँ आए। हमारे कारोबार कराची शहर में है, हम यहाँ शिफ्ट हुए इसलिए शिफ्ट हुए कि हमें एक अच्छा माहौल मिले, एक मुतवस्सत तबके को अच्छा माहौल देने का वादा किया था मलिक साहब ने और वो अच्छा माहौल उन्होंने दिया। लेकिन आज के दिन वो अच्छा माहौल हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है क्योंकि वो मुतवस्सत तबके के लिए नहीं रहा। जिस तरीके से इन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस और ये बाकी बढ़ाने की बातें हमें नोटिफिकेशन के थ्रू की हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और मैं एज अ रेजिडेंट ऑफ प्रिसेंट 11A मैं इस चीज को समझता हूं कि ये जो हमारे ऊपर मेंटेनेंस का एक बम गिराया गया है और ये वाटर चार्जेस और ये वाटर मीटर चार्जेस और वाटर बाउजर एक दफा रिफिल कराने के 5,000 की बातें की गई हैं बगैर सोचे समझे। हमारे घरों के वाटर टैंक 200 लीटर के भी नहीं है और उसको भरने के लिए कहते हैं हम बाउजर भेजेंगे तो 5,000 रुपए लेंगे। ये कौन सी इंसानियत है? इस चीज को हम बिल्कुल नहीं मानते और इनके जितने भी इन नोटिफिकेशन में पॉइंट्स हैं उन सबसे हम अपने आप को अलग जो है ना प्रूफ करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाइयों से अपनी बहनों से कि इस हवाले से जिसके पास भी बिल आया है जिसके पास भी अभी बिल नहीं पहुंचा वो मेंटेनेंस चार्जेस जमा ना करवाए। अगर उसके अंदर कोई एडिशनल चार्जेस आए हैं अगर वो पुराना बिल आ रहा है तो हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं वो हम पे करेंगे, लेकिन अगर एडिशनल चार्जेस कोई लगाए जाएंगे तो हम वो पे नहीं करेंगे। इस हवाले से जो बातें हमारी डिस्कस हुई है मैनेजमेंट के साथ 2-3 दफा उस हवाले से मैं कैप्टन मकसूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सबको उस चीज से आगाह करें कि हम कितनी दफा इनसे मिले हैं और क्या क्या बातें इनसे